हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। लोग बढ़े हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान है और इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आजकल ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, ये चीजें बहुत चली हुई है कि इनसे वजन कम होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम ग्रीन टी पिए, क्या हम ग्रीन कॉफी पिए, क्या हम सादी चाय पिए, क्या हम दूध की चाय को छोड़ दें। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। इनका एक 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 ही वीडियो में सबका जवाब देना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज के अपने फायदे होते हैं, हर चीज के अपने नुकसान होते हैं। कौन सी चीज कितना फायदा करेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ग्रीन टी अच्छी है या ग्रीन कॉफी अच्छी है, इस बहस में नहीं जाते। आज मैं बात करूंगी ग्रीन कॉफी की। क्या है ग्रीन कॉफी, क्या इससे वजन कम होगा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और बहुत कुछ इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं ग्रीन कॉफी की। क्या है ग्रीन कॉफी? ये एक्चुअल में नॉर्मल कॉफी है जो कॉफी आप पीते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल कॉफी के जो कॉफी बीन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको रोस्ट करके ब्राउन किया जाता है और उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में लाके उसकी कॉफी बनती है। ग्रीन कॉफी को रोस्ट नहीं करते हैं, एज इट इज रॉ फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी ज्यादा हेल्थी होती है, ज्यादा हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी होती है। इसके अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आप कह सकते हैं कि हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है, जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देगी, और सबसे बड़ी बात कि ये वेट लूज करने में मदद करती है, क्योंकि ग्रीन कॉफी के अंदर क्लोरोजिनिक एसिड जो है काफी मात्रा में होती है, और इस एसिड का एक प्रॉपर्टी है कि ये फैट बर्निंग होती है, आपकी बॉडी में फैट को जमा नहीं होने देगी और फैट को मोबिलाइज करके, बर्न करके उसको निकालने में मदद करेगी, उसको जमा नहीं करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। ग्रीन कॉफी कैसे बनती है ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि ये आपके वेट को लूज करने में कैसे मदद करेगी। नंबर वन, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जमा नहीं होने देगी, जो कि आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, और अगर सेल डैमेज होंगे तो वो अपना काम सही से नहीं करेंगे और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सही नहीं होगा। नंबर टू, ग्रीन कॉफी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, और जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और जो फैट का एक्युमुलेशन है वो कम होता है। तो जब ये दो काम होंगे कि फैट जमा नहीं होगा, न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी पूरी रहेगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। हमारे लिए फैट खाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम फैट को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो भी हमें नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो फैट में डिसॉल्व होके ही हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कि वो फैट ही है जो उन मिनरल्स को या उन विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो वो विटामिन्स हमारे एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमें नुकसान होगा। फैट खाना जरूरी है, लेकिन वो फैट आपकी बॉडी में जमना नहीं चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। बेली फैट को नहीं बढ़ाना चाहिए, थाइस के फैट, आर्म्स के फैट को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए उससे, और ग्रीन कॉफी उसमें बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे आप नॉर्मल कॉफी बनाते, अब आप ये पूछेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए। तो ग्रीन कॉफी मार्केट में आजकल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर मेरे से आप पूछते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी सुनोवा की ये ग्रीन कॉफी, जिसको इन्होंने स्लिम कॉफी भी नाम दिया है। स्लिम कॉफी ऐसे ही नहीं बन गई है, स्लिम कॉफी इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके वेट को लूज करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करके, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके, आपके एनर्जी को इम्प्रूव करके, और फिर आपको ये फायदा देती है। ये कहाँ मिलेगी? ऑनलाइन आप इसको ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे बड़ी चीज इसकी ये है, खास बात इसकी ये है कि ये रेडीमेड फॉर्म में है। आपने रेडीमेड फॉर्म में आपने कुछ नहीं करना है, इस एक पैकेट को एक कप में डालना है, ऊपर से उस कप को गर्म पानी से भर दें और दो मिनट के लिए ढक के छोड़ दें, आपकी कॉफी बन के तैयार हो जाएगी, रेडी टू यूज। और इसका फायदा क्या होगा कि आप ऑफिस में हैं आराम से यूज कर सकते हैं, आप घर में आराम से यूज कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तब भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैरी करने में मुश्किल नहीं, और गर्म पानी तो कहीं भी मिल जाता है वहां लेके आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि रेडीमेड आसानी से मिलने वाली कॉफी कौन सी है, तो वो है
सुनोवा की ग्रीन कॉफी, ये प्री मिक्स है, मतलब इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए, सिर्फ पानी मिलाना है और आपकी कॉफी तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं ग्रीन कॉफी के फायदे की। नंबर वन तो सबसे बड़ा है फायदा इसका ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे सेल हेल्दी रहते हैं और जब सेल्स हेल्दी रहते हैं तो हम खुद हेल्दी रहते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे ऑर्गन्स जो है अच्छे से काम करते हैं अगर वो सारे सेल हेल्दी हैं तो। कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ग्रीन कॉफी फैट अब्सॉर्प्शन में बहुत मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड है जो डाइट्री फैट को एब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होती है, फैट को जमा नहीं होने देती। नंबर थ्री, ग्रीन कॉफी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके एपिटाइट को कम करती हैं, यानी कि फालतू की जो चटरपटर खाने वाली भूख है उसको कम करती हैं। आपके जो बीच बीच में स्नैकिंग की आदत होती है कि अनहेल्दी स्नैक्स खा लिए, क्योंकि जब जब बीच बीच में भूख लगेगी तो आप बिस्किट खाएंगे, टॉफी खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे या कोई और ऐसी चीज, नमकीन भुजिया, ये सब खा लेंगे, तो ग्रीन कॉफी पीने से आपका एपिटाइट कर्ब होगा और वो इन बिटवीन मील्स का जो एक स्नैकिंग का आपका मन करता है वो मन नहीं करेगा। इससे फायदा ये होगा कि कैलोरी इनटेक कम होगा और कैलोरी इनटेक कम करना जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर कैलोरी इनटेक कम हुआ तो आपका वेट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या ग्रीन कॉफी सच में इतनी फायदेमंद है? बिल्कुल हाँ, सच में इतनी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड है ना वो आपको बहुत फायदा देने वाली है। इसके अंदर जो मामूली सा कैफीन है वो बहुत फायदा देने वाला है। बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से आपको नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर कम मात्रा में लेते हैं तो वो आपको फायदा करेगा। तो जब इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो आपको फायदा कर सकती हैं और तीसरी चीज है कि आपके एपिटाइट को कम कर सकती है जिससे आपकी कैलोरी इनटेक कम होगा, तो ये सब चीजें मिलकर वेट लूज करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन ग्रीन कॉफी कोई जादू नहीं करने वाली है कि आपने ग्रीन कॉफी ली, कप में डाला, आपने पिया और करके आप पतले हो गए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि आपको, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। आपको लो कैलोरी फूड खाने होंगे, लो कैलोरी हाई एनर्जी फूड खाने होंगे। अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना होगा, अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना होगा जिनका जीआई इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती जाए और धीरे धीरे आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करें ताकि पूरा टाइम आपको एनर्जी पूरी मिलती रहे और अननेसेसरी वेट गेन नहीं हो। इसके साथ साथ ग्रीन कॉफी का यूज करने से आपको कितना फायदा होगा ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी टाइप पर, आपकी बॉडी उसको कैसे एडॉप्ट कर रही है। किसी को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, किसी को थोड़ा देर में फायदा होता है, लेकिन ग्रीन कॉफी ऐसी चीज है कि इससे होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज ही नहीं है जिससे नुकसान हो। हाँ, लिमिट में लेना बहुत जरूरी है, दिन में दो कप से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लेते हैं बहुत फायदा करेगी, इसी तरीके से आप लंच के एक घंटा बाद भी इसको ले सकते हैं ताकि इवनिंग स्नैक्स की आपको जरूरत नहीं पड़े, तो इस तरीके से इसको ले, फायदा ही फायदा होगा। बड़ा फायदा तो ये होगा कि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, अगर सही मात्रा में ली जाए तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और इम्यूनिटी बूस्ट मतलब आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। तो आप इसको बहुत आराम से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक या दो कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये सुनोवा का प्री मिक्स आपको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बनाने में आसान है, आप शुरू कर सकते हैं, इसको बना के देख सकते हैं, पी सकते हैं, फायदे उठा सकते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो चीज आजकल आराम से मिल रही है, जिस चीज के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ये वेट लूज करने में आपकी मदद करेगी, ये आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, जो फैट एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाएगी, तो ऐसी चीज को अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शामिल करना, कर लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा, आप इसको शामिल करके देखिए। हाँ, जब आपको फायदा होता है, क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, वो मुझे तभी पता चलेगा ना जब आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितना फायदा हुआ, कैसी लगी आपको ये प्री मिक्स की रेसिपी, ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप मेरे से कमेंट करके बात करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ आमने सामने बात कर रही हूँ, तो आपके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।